विद्यालय शब्द सर जयप्रकाश मिश्र के किस पर अनुरोध कर आप सभी को और हम सभी को सबसे तो सीनियर मोस्ट टीचर है निरुपम राजकुमार साहब, उनका आज उम्र 60 साल कंप्लीट हो गया। और हमारा सर्विस का नियम है, जो भी व्यक्ति सर्विस करता है उनका उम्र अगर 60 साल पूरा होता है तो उनको सर्विस से छुट्टी लेना पड़ता है। तो इसीलिए सर का आज 60 साल पूरा हो गया, आज से सर का सर्विस में छुट्टी मिलेगा, सर रिटायर्ड हो जाएगा। तो इसलिए सर को सम्मान से विदा देने के लिए हम लोग का ये फेयरवेल का जो फंक्शन है हम लोग बचा है। तो आज के अनुष्ठान में उपस्थित हमारे आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल इंचार्ज, हमारा दोस्त तुम सभी का राजू साहब, हमारा स्कूल का SMBC का प्रेसिडेंट, हमारा रेस्पेक्टेड दादा कल्याण चक्रवर्ती महाशय, हमारा स्कूल में जितना शिक्षक है, जितना शिक्षिका है, जितना कर्मचारी है, हमारा विदाई शिक्षक निरुपम राजकुमार सर, उसका साथ साथ हमारे पास विशेष रूप से आए हुए मेहमान सपन साहब, सभी को धन्यवाद देते हुए हम दो चार बात अपना बताएंगे। पहला बात है कि शायद तुम सभी को दुख का माहौल हो रहा है इस समय, सबका मन में दुख का माहौल हो रहा है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे सम्मानित साथ आज तुम्हारे पास से जाने वाला है, इसलिए दुख का घड़ी है। लेकिन फिर भी दुख का घड़ी में भी हम लोग को एक काम तो करना ही पड़ेगा कि जो सार हमारे पास इतना दिन था, हमें इतना पढ़ाया लिखाया, हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो सार आज हमारे स्कूल से चले जाएंगे, इसलिए सार को हम लोग सम्मान पूर्वक विदा देना चाहते हैं और देना भी चाहिए। एक बात है, शायद सार को तुम लोग सिर्फ एक शिक्षक का रूप में जानते हो, लेकिन हम लोगों का जहाँ तक पता है हमारे ये सार एक टीचर का, टीचर तो है ही, टीचर छोड़ के भी शायद सभी को पता है कि सार बहुत अच्छा गाता भी है, सार अच्छा गाना लिखता भी है, सार गाना का अच्छा सुर भी देता है, ठीक है, सार भजन कीर्तन भी करता है, बहुत बड़ा बड़ा पंडल में सार जाके अपना भजन कीर्तन करता है, तो ये सब सार का बहुत बड़ा गुण है। हम लोग एक साथ सार का साथ करीब करीब 30-35 साल से जुड़ा हुआ है, हम लोग से बहुत आपसी बातचीत भी होता है, हंसी मजाक भी होते हैं, कभी कभी हम लोग में झगड़ा भी होता है, लेकिन ये सार से कभी हम लोग का झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सार झगड़ा करने वाला लोग में से नहीं है। जहाँ तक हमारा याद है एक दिन सार ने झगड़ा किया था, बहुत बड़ा झगड़ा किया था, और उस झगड़ा से हम लोगों का बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। वो इंसिडेंट क्या था, एक समय था हमारा स्कूल का नियम था कि 9:15 हो जाने से स्कूल का गेट का ताला लगा दिया जाता था, तो उसका उसी समय एक दिन सार का थोड़ा लेट हो गया था, ताला बंद था, सार ने वाल क्रॉस करके आया, किस लिए आया, तनख्वाह के लिए नहीं आया, सार का दिमाग में यह था कि हम इतना दूर से आया लड़कों का कुछ पढ़ाने के लिए और ताला बंद कर दिया, इस नियम को हम नहीं मानेगा, हम अंदर घुसेगा, घुस के लड़का को पढ़ाएगा। इसका चलते बहुत बड़ा झगड़ा हुआ प्रिंसिपल का साथ, आखिर में क्या हुआ, वो ताला बंद वाला नियम बंद हो गया, यानी सार ने झगड़ा करके भी हमें तुम लोगों का तो इतना ही पता होगा कि सार ने पढ़ाता है बस बांग्ला पढ़ाता है, अभी सिलेबस कुछ चेंज हो गया, जब हम लोग जब पहला पल आया था तो सार को हमने दिखाया, हमने देखा है सार को, सार साइंस भी पढ़ाता था, साइंस मैथ, सार मैथ भी पढ़ाता था और साइंस इंग्लिश भी पढ़ाता था, इसका मतलब सार साइंस में भी पढ़ा सकते हैं, मैथ में भी पढ़ा सकते हैं, बांग्ला तो सकते हैं, और गाना का बारे में तो तुम सभी को पता ही है सार कैसा गाना गाता है, ठीक है।
तो सार का ये सब बहुत बड़ा बड़ा गुण है। सार बहुत कविता लिखते हैं, बहुत गल्प लिखते हैं, और वो लिख कर खाली अपने पास नहीं रखता, पूरा दुनिया में उसको छोड़ता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने भी सार को बधाई दिया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब सबसे बड़ा बात क्या है, देखो आज के जमाना में किसी भी व्यक्ति का अगर 50 का उम्र बन जाता है तो वह व्यक्ति का कोई ना कोई रोग बीमार होता ही हो। लेकिन सार को देखो, सार का उम्र 60 हो गया लेकिन हम लोग सार को कभी बीमारी में नहीं देखा। सार ने कभी नहीं बोला कि हमारा यह बीमारी है। इसका मतलब यह हुआ कि सार अपना बॉडी फिटनेस का लिए कितना ख्याल रहता है, सार अपना खान पीन में कितना ध्यान देता है, और वो सब देना बहुत जरूरी है जो हम लोगों का लिए सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा, ज्यादा लंबा नहीं करेगा क्योंकि सार ने बोला शॉर्ट में करना, सबसे बड़ा सार का जो गुण है जो हम लोग किसी में नहीं है, ये चीज याद रखना, सार कम से कम डेली 2 घंटा सार पूजा करता है। सार पूजा में रहता है 2 घंटा, श्री कृष्ण भगवान का पूजा अपने से सुबह भी करता है, शाम को भी करता है, इतना बड़ा उपलब्धि सामने है। तो ऐसा एक आदमी को हम लोगों का पास से एक आदमी चला जाएगा तो हम लोगों का तो क्षति बहुत होगा। सार चला जाने से तुम लोगों का पढ़ाई में भी तो प्रॉब्लम होगा, फिलहाल हम लोग तो मैनेज करेगा लेकिन फिर भी सार जैसा तो हम लोग नहीं सकेगा, हम लोग का समय लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, मैं इतना बोलूँगा हमारे स्टाफ के लिए कि सार का जाने का तुरंत बाद हम लोग का जो इफेक्ट होगा, काल से ही हम लोग का जो मालूम होगा वो होगा सार का हाथ का श्री गोविंद का प्रसाद हम लोग को नहीं मिलेगा। और सार जैसा एक तिलक चंदनधारी साधु व्यक्ति का दर्शन से हम लोग विमुख हो गए। तो इसीलिए ये दुख है, फिर भी जो भी है सर का ये अच्छा हो, सर का अगला जीवन अच्छा हो, सार सुख से रहो, शांति से रहो, सर का स्वास्थ्य अच्छा रहो, इतना कामना करते हुए हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।